76 पर रहता है पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर कंट्रोल। चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगेन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब इस चैप्टर का जो रूल है याद करने का वो ये है कि आप लोगों को ना इसमें से अपने बॉक्सेस अच्छे से तैयार करने हैं। पहले आप लोगों ने तैयार करना है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। आप लोग बॉक्सेस अच्छे से तैयार करोगे और उसके क्लिनिकल्स क्लिनिकल्स कैसे तैयार करने हैं कि अगर एक हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या मसला होगा, हार्मोन कम हो गया तो क्या मसला होगा, ठीक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पेज में। अच्छा ये बताओ आप लोगों के हाइपोफाइसिस क्या होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। अच्छा आप लोग पहले चैप्टर बस एक दफा रीड कर लेना, रीड करने के बाद अपने यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने ना यहाँ पे बताए हुए टेबल बेसिक करना है 76.1, इसको बस एक दफा रीड कर लेना, डायरेक्ट अपने इस टेबल के ऊपर आ जाओ। अब आप लोगों ने ये एमसीक्यू है कि कौन सा हार्मोन कौन से सेल से रिलीज हो रहा है, केमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, और उस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है। मतलब आप लोगों ने सेल तैयार करना है, उसका हार्मोन केमिस्ट्री को स्किप कर देना और फिजियोलॉजिकल एक्शन तैयार करना है। डायग्राम करोगे फिर नेक्स्ट पोर्टल ब्लड वेसल्स होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, इसको एक दफा रीड कर लेना। यहाँ पे एक दीवी है टर्म ट्यूबर्स एनीरियम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। उसके बाद अच्छा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना ये कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम के साथ, ये एमसीक्यूज है। फिर हम लेट्स मूव करते हैं अपने टेबल 76.2 के ऊपर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हार्मोन उसका स्ट्रक्चर आप लोग करो ना करो, लेकिन प्राइमरी एक्शन और एंटीरियर पिट्यूटरी आपको लाजमी आना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं इसको एक दफा बस आप लोग रीड कर लेना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन आने चाहिए। अब जो आप लोग दोनों बॉक्सेस तैयार कर लोगों आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आप लोगों ने इसका ये ग्राफ तैयार करना है, इसको रीड कर लेना सारे को। ओके लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ सोमैटोमीडियंस, इसका ऐसी क्यों आता है कि व्हाट इज सोमैटोमीडियंस, तो आप लोगों ने सोमैटोमीडियन की डेफिनेशन याद करनी है। और यहाँ पे टर्म दी मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आप लोगों को आनी चाहिए कि डायबेटोजेनिक क्या होती है। अच्छा कीटो एसिडोसिस उसको आप लोग स्किप करो, अभी बस आप लोगों ने ना ये डायबेटोजेनिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार करनी है। फिर नेक्स्ट ये वाला जो हमारे पास टेबल 76.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने लास्ट में तैयार करना है। ऐसी क्यों आता है, ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट कौन करता है और इनहिबिट कौन करता है। फिर हम लोग मूव करते हैं सोमैटोस्टेटिन का बताया हुआ है कि इनहिबिट करता है हमारी ग्रोथ को, ठीक है, आप लोग इसको एक दफा पढ़ लेना। फिर चलते हैं हम लोग अपने क्लिनिकल्स के ऊपर। पैन पिट्यूटरी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, ये भी तैयार करना है। डवार्फिज्म एक्रोमैगली, सबसे ज्यादा सिनेरियो में डवार्फिज्म और एक्रोमैगली आता है एसीक्यूज में। और आप लोगों ने ये तैयार करना है कि इसके ट्रीटमेंट में ये एचिया को लाए जो ई कोलाई, ये आप लोगों ने तैयार करना है। ये क्लिनिकल्स हम लोग सारे तैयार करेंगे। अच्छा अब ये पिक्चर ना हॉस्पिटल के अंदर लगी हो सकती है और वो पूछ सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, तो आप लोगों ने ये याद करना है कि एग्रोमैगली का जो हमारे पास पेशेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये पिट्यूटरी साइड से एक दफा देख लेना कि ये क्या होते हैं। उसके बाद रेस्ट रीड करना फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, आप लोगों ने रीनल में भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने उसका मकसद ये तैयार करना। नेक्स्ट में उन्होंने मैकेनिज्म फंक्शन एक्सप्लेन किया, आप रीनल में पढ़ के आए हो तो यहाँ करने की ना जरूरत नहीं है। ऑस्मो रिसेप्टर्स को बस एक दफा रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर चलते हैं, हमारा लास्ट पेज है, लास्ट पेज के अंदर से ये इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना फॉर एसिक्यूज। और लास्ट में ये ऑक्सीटोसिन एड्स एंड मिल्क इंजेक्शन बाय द ब्रेस्ट, कभी कभी ना सिर्फ यही हमारे पास एसिक्यू आ जाता है, ये मैंने पास पेपर्स में देखे हैं ये दोनों, तो आप लोगों ने ये दोनों तैयार करने हैं। अच्छा अब इसके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं एट एंड ऑफ द वीडियो भी पेस्ट कर दूंगी, लेकिन आप लोग यहाँ से भी इसके पिक्चर लेकर ऐसा लिख लेना। वही अगेन चैप्टर रीड करने के बाद देखना कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, आते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते तो फिर इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी दफा चैप्टर लाजमी पढ़ना, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर तैयार करना। एसिक्यू से हेल्प लेना लेकिन देखना कि आप खुद एसिक्यू अपने कर सकते हो, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने चैप्टर 77 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी किसी का इस चैप्टर से किसी का क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।